नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम करेंगे एसआर बोमई केस और आर्टिकल 356। जैसा कि हमें पता है, आर्टिकल 356 बात करता है स्टेट की मशीनरी के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की। इसका मतलब प्रेसिडेंट जो है वो समय समय पर जरूरत पड़ने पर, जब भी उनको लगता है, वो स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। इसे हम स्टेट इमरजेंसी के नाम से भी कई बार जानते हैं। तो देखेंगे ऐसा क्या हुआ था एसआर बोमई में जिससे सुप्रीम कोर्ट ने इसके मिसयूज को रोकने की कोशिश की, क्योंकि हमने देखा ये एक ऐसा लॉ है जिसे डेड लेटर कहा गया था, लेकिन सबसे ज्यादा इसका मिसयूज किया गया। अगर हम अंबेडकर के शब्दों में समझें तो अंबेडकर भी कहते थे कि इस लॉ को मिनिमलिस्टिक तरह से यूज करना चाहिए। ये एक डेड लेटर है जो हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिख के छोड़ रहे हैं, जिसको सेंटर तभी यूज करेगी जब एक अटमोस्ट अर्जेंसी होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की 75 ईयर्स की हिस्ट्री को देखें तो वहां पे इस सबसे ज्यादा मिसयूज किया गया है आर्टिकल 356 को। तो चलिए समझते हैं क्या है इसके बारे में और क्या ऐसा हुआ एसआर बोमई केस में। स्टेट जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज आप परचेस कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू। कोर्सेज आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं। स्टडी आईक्यू पर विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोज आती हैं, इन सब के पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल @kapillife, और साथ ही साथ आप मेरे से जुड़ सकते हैं मेरे ट्विटर हैंडल @kapilsikka से। तो चलिए समझते हैं पहले 356 एग्जैक्टली क्या है। देखो, 356 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है स्टेट की, अगर उसमें कुछ ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पे गवर्नर की रिपोर्ट पे, या फिर प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो, और प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हैं, तो वो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ला सकते हैं। इसके इंप्लीकेशंस यही हैं कि जितना भी सेंटर स्टेट का कार्यभार है वो सेंटर पे शिफ्ट हो जाता है, स्टेट गवर्नमेंट हटा दी जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है प्रेसिडेंट के थ्रू या गवर्नर के थ्रू यहाँ पे रूल करती है। इसका मेंशन आपको 355 में मिलता है। 355 कहता है कि अगर सेंटर स्टेट को कोई डायरेक्शन देती है और स्टेट उस डायरेक्शन को नहीं मानती, या फिर स्टेट डेमोक्रेटिकली फंक्शन नहीं करती या कॉन्स्टिट्यूशनली फंक्शन नहीं करती, तो सेंटर के पास अथॉरिटी है कि वो प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेसिडेंट रूल यहां पे अप्लाई कर सकती है। जितनी भी इस तरह के प्रेसिडेंट रूल आएंगे वो सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट अप्रूवल होंगे, उनको पार्लियामेंट से अप्रूव कराना होगा, सिंपल मेजोरिटी से अप्रूव किए जाएंगे, और साथ ही साथ लगने के 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस उस रेजोल्यूशन को, उस प्रेसिडेंट रूल को पास करें, और पास होने के बाद वो 6 महीने तक चलेंगे, और उसके बाद फिर से अगर आगे बढ़ाना है तो री अप्रूवल पे डाले जाएंगे। इस तरह से 3 साल तक किया जा सकता है। इसको हटाया जा सकता है किसी भी समय एक सब्सिक्वेंट रिवोकेशन के द्वारा, प्रेसिडेंट खुद से इसको हटा सकते हैं। उसके लिए आपको पार्लियामेंट की किसी भी अनुमति की जरूरत नहीं है। कॉन्सिक्वेंसेज यही है कि प्रेसिडेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस ले लेंगे, पावर जो है वो गवर्नर के पास चली जाएंगी, और स्टेट जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू नहीं, जबकि प्रेसिडेंट और गवर्नर के थ्रू या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू फंक्शन करेगा। अब बात चलते हैं 1988 में। क्या हुआ था ऐसा 1988 में जिससे एसआर बोमई को कोर्ट जाना पड़ा। ये 356 पहले भी बहुत बार मिसयूज किया जा रहा था। जैसा मैंने बताया, अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक अपनी स्पीच में कहा था कि मैं इस लॉ को डेड लेटर की तरह लिख रहा हूं। डेड लेटर का मतलब जब जब जरूरत हो तभी इसका इस्तेमाल करना, आगे पीछे आप स्टेट और सेंटर के रिलेशंस को मेंटेन करना, मैं मानता हूं कि सेंटर ऐसा करेगी, लेकिन क्योंकि कोई ना कोई इमरजेंसी ना आ जाए, एक्सीजेंसी ना आ जाए, इसलिए इस लॉ का यहां पे होना जरूरी है। और कहा जाता है कि 356 एक तरफ से हमें यूनिटरी टिल्ट भी बताता है फेडरलिज्म में, कि हम कहते हैं कि हम क्वासाई फेडरल हैं क्योंकि इस तरह के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, या फिर सेंटर के पास ज्यादा पावर्स हैं स्टेट की अपेक्षा। अब यही हुआ कुछ एसआर बोमई के साथ। एसआर बोमई की गवर्नमेंट, जनता दल की जो गवर्नमेंट थी उसने सरकार बनाई वहां पे। बहुत सारे एमएलए जो हैं वो डिफेक्ट कर करके और पॉलिटिकल पार्टीज या फिर कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे थे। अब ऐसे में एक समय ऐसा आया कि जनता दल की जो गवर्नमेंट है वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट रह गई, और इमीडिएटली प्रेसिडेंट ने हटा दिया वहां के सीएम एसआर बोमई को। अब एसआर बोमई की गवर्नमेंट का डिसमिसल कर दिया गया क्योंकि मेजॉरिटी खत्म हो चुकी थी। उन्होंने बहुत सारे एमएलए को जोड़ के एक लेटर लिखवाया और उसमें अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने की बात कही। वो मेजॉरिटी का लेटर वो लेके गवर्नर वेंकट सुभैया के पास गए। वेंकट सुभैया ने हाउस के फ्लोर पे मेजॉरिटी प्रूफ करवाने से मना कर दिया और 356 को अप्लाई करते हुए इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया, मतलब सरकार हटा दी, और ये कहा कुछ समय के बाद फ्रेश इलेक्शन कराएंगे और नई सरकार बनवाएंगे। अब इसी के चलते बोमई गए हाईकोर्ट, हाईकोर्ट ने भी गवर्नर की बात को अपहेल्ड किया
और इनकी गवर्नमेंट के डिसमिसल को भी अपहेल्ड किया। तो ये कहा जाता है कि इनकी जो रिट पिटीशन है वो डिसमिस कर दी गई थी। ये कहा गया था कि आर्टिकल 356 तो यही कहता है कि प्रेसिडेंट रूल अगर लगेगा तो फिर हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि ऐसी सिचुएशन वहां पे है जिसमें प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए तो लगेगा और हम इसमें कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसके बाद ये हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में केस लंबा चलता रहा। केस को लगभग 5 साल बाद फाइनली हियरिंग पे लिया गया। एक रीजन ये भी था इस केस को फाइनल हियरिंग पे लेने का कि देश भर में 91 से जो सिचुएशन बनी, 89, 90, 91 की जो सिचुएशन थी, बहुत सारी कोलिशन गवर्नमेंट्स बन रही थी और इन कोलिशन गवर्नमेंट्स के चलते कहीं पे भी सरकारें जो है वो बन नहीं पा रही थी और बार बार 356 का मिसयूज किया जा रहा था कांग्रेस और वीपी सिंह गवर्नमेंट द्वारा उस समय। इसी के साथ जब 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ तो पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने 3 राज्यों की सरकारों को डिसमिस कर दिया। उसमें थी मध्य प्रदेश, हिमाचल और राजस्थान, और ये तीनों बीजेपी गवर्नमेंट थी। इनको डिसमिस कर दिया गया फॉर नो ग्राउंड्स, कोई ग्राउंड नहीं दिए गए, जस्ट बिकॉज कि आपके स्टेट में राइट्स हो रहे हैं, आपके स्टेट्स में दंगे बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हम आपके यहाँ की सरकारों को डिसमिस कर रहे हैं। और देखो, डिसमिसल का मतलब ये होता है कि अब वो सरकारें कंटिन्यू नहीं कर सकती, फ्रेश इलेक्शन होगा और फिर से नई सरकार बनेगी। कहा जाता है इसमें काफी खर्चा होता है, बार बार इलेक्शन कराना, 5 साल में एक बार इलेक्शन कराने पे ही इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर है। अगर इस तरह स्टेट असेंबलीज में बार बार इलेक्शन होने लगे तो सरकारों के खर्चे और हमारी ट्रेजरी से निकलने वाला पैसा बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। फाइनली कोर्ट को 11 मार्च 1994 में एसआर बोमई के जजमेंट पे बैठना पड़ा। 9 जज की बेंच बिठाई गई और देखा गया कि ये जो डिसमिसल्स हो रहे हैं क्या ये ठीक हैं। कोर्ट ने पूरा प्रोसीजर ठीक से पढ़ा। कोर्ट कुछ बातों पे आया। कोर्ट ने कहा एसआर बोमई की जो गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कोर्ट ने यहां पर यह कहा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी मेजॉरिटी प्रूव नहीं कर पाती तो आप पूरी की पूरी असेंबली को डिसॉल्व नहीं कर सकते, आप सरकार नहीं हटा सकते, आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, आपको बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को चांस देना पड़ेगा। तो कोर्ट ने एक नया यहां पे फॉर्मूला लगाया सस्पेंडेड एनिमेशन का। उन्होंने कहा कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी सरकार नहीं बना पा रही है तो आप उस समय के लिए असेंबली को सस्पेंडेड एनिमेशन में रख दें, मतलब सस्पेंड कर दें फॉर अ टाइम भी। जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स हैं वो मेंबर्स रहेंगे, बाकियों को मौका दिया जाएगा सरकार बनाने का, मेजोरिटी प्रूफ करने का, और जब गवर्नर हर तरह से थक जाए, कहीं से भी सरकार ना बन पाए, तो फिर असेंबली का डिसोल्यूशन हो और नए इलेक्शंस की घोषणा हो। तो ये चीज यहां पे बताई गई। साथ ही साथ ये कहा गया कि प्रेसिडेंट को इस पूरे ऑर्डिनेंस को, इस अपने इस इमरजेंसी के ऑर्डर को अप्रूवल लेना जरूरी है, और अगर ऑब्वियसली बात है पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं देती तो ये वहीं से नल एंड वॉइड हो जाता है। तो यही चीजें हैं कि प्रेसिडेंट तभी सस्पेंड कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि इस तरह की सिचुएशन आ गई है। पहली बात, ऐसे ग्राउंड्स आ गए हैं जहां पे सस्पेंड करना जरूरी है। दूसरी बात, असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी जाएगी, डिसोल्यूशन नहीं होगा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को चांस दिया जाएगा गवर्नमेंट फॉर्म करने का। एक चीज और है यहां पे, आप देखेंगे आर्टिकल 356 में एक चीज बहुत क्लियर मेंशन नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। तो यही कोर्ट ने कहा कि यहां पे आर्टिकल 356 को यूज करते हुए प्रेसिडेंट को अपनी कॉन्शियंस देखनी पड़ेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज देखनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि जिस तरह से वो सरकार को डिसमिस या फिर डिसॉल्व कर रहे हैं, डिसमिस नहीं डिसॉल्व कर रहे हैं, क्या वो डिसोल्यूशन ठीक है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और सबसे पहली बात है कि डिसोल्यूशन तो मना ही कर दिया गया कि आप डिसॉल्व कर ही नहीं सकते, आपको सस्पेंड करके रखना पड़ेगा। एक चीज और यहां पे है कि आर्टिकल 356 में एक और पेंडोरा बॉक्स खोला गया और कोर्ट ने कहा कि हम जो है जुडिशियल रिव्यू करेंगे प्रेसिडेंट के प्रोक्लेमेशन का। हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट ने किस ग्राउंड्स पे, किस रीजन पे इस 356 को इन्वोक किया है। हमें लगेगा अगर मैलाफाइड ग्राउंड्स है तो हम प्रेसिडेंट के इस डिसीजन को नल एंड वॉइड कर देंगे। तो यहां पे कहा जाता है कि काफी ज्यादा पावर्स जो हैं या फिर प्रोटेक्शन जो है 356 के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट्स को एसआर बोमई केस में दे दिया गया। देखो, एसआर बोमई जजमेंट का इंपैक्ट बहुत जल्दी दिखा। बात है 1999 की, राबड़ी देवी गवर्नमेंट थी बिहार में, अब वहां पे 12 दलित लोगों का मर्डर हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है। और जैसा कि आपको पता है NDA 1 जो वाजपेयी गवर्नमेंट आई थी 98-99 के टाइम पे, उस समय समता पार्टी भी उनकी अलायंस मेंबर थी। समता पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार उस समय सेंटर में, सेंटर गवर्नमेंट में अलायंस में मेंबर्स थे।
अब ऐसे में उन्होंने प्रेशर बनाया एलके अडवाणी पे कि क्योंकि बिहार में इस तरह की चीजें हो रही हैं, बिहार में जो राज्य व्यवस्था है वो हाथ से बाहर जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है, आप राबड़ी देवी गवर्नमेंट को सस्पेंड करा दीजिए और 356 लगवा दीजिए। उस समय वाजपेयी साहब भी देश में नहीं थे, उस समय प्रेजिडेंट के आर नारायण भी देश में नहीं थे, और यह हुआ कि डिप्टी पीएम के कहने पे बिहार के गवर्नर ने वहां पे 356 लगा दी और दो महीने के लिए राबड़ी की जो गवर्नमेंट है वो सस्पेंडेड रही। अब इसी के चलते यहाँ पे आप देखेंगे कि राबड़ी की गवर्नमेंट दो महीने सस्पेंडेड रही, पार्लियामेंट में जो है ये पूरा का पूरा रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया एंड अल्टीमेटली गवर्नमेंट जो है वो रीइंस्टेट कर दी गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि प्रोटेक्शन मिल गया, क्योंकि जब राबड़ी गवर्नमेंट को हटाया गया था तो वहां पे डिसॉल्यूशन नहीं किया गया हाउस का, असेंबली सस्पेंडेड एनिमेशन में चली गई और दो महीने के बाद राबड़ी देवी गवर्नमेंट को दोबारा से चांस मिला अपनी सीएमशिप को कंटिन्यू करने का, और वहीं से उन्होंने उसको कंटिन्यू किया। तो इस तरह से कहा जाता है कि एसआर बोमई एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट थी जिसने 356 के मिसयूज को रोका है, कुछ पैरामीटर्स बनाए हैं कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट 356 का यूज करेंगे और कैसे बार बार इलेक्शन होने से बचाया जाएगा। मेजॉरिटी जब तक नहीं आ जाती पूरे हाउस में तब तक वो लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जाएगा। तो आशा करता हूँ सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी, इस तरह के और केसेस में लाता रहूंगा। यूपीएससी आईएएस के हमारे प्री कम मेंस के स्मार्ट कोर्सेज हैं 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल हैं, इन्हें आप studyiq.com और हमारी ऐप से परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ जुड़े रहिए हमारे साथ और सीरीज में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।